ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। कहानी का शीर्षक ये स्वतंत्रता। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो उस पर आफत आ जाती। सब मोहल्ले के लड़के उसको मारते थे। आखिरकार बेचारे को विवश होकर पाठक से क्षमा मांगनी पड़ती। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएं, लट्ठे का स्वामी हम पर क्रुद्ध होगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। जब खेल आरंभ होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक भी शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहे। फिर एक लड़के ने उसको धक्का दिया परंतु वह न उठा। यह देखकर पाठक को क्रोध आया। उसने कहा, मक्खन यदि तू ना उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा। किंतु मक्खन ये सुनकर और आराम से बैठ गया। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। लड़के की आज्ञा पाते ही 1 2 3 कहकर लट्ठे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत प्रसन्न हुए। किंतु पाठक कुछ भयभीत हुआ क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होता। मक्खन पृथ्वी पर से उठा और पाठक को लाते और घूंसे मारकर घर की ओर रोता हुआ चल दिया। पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहुत खेद हुआ। वह नदी किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां पर आई जिसमें एक अधेड़ आयु वाला व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर मालूम किया, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है। पाठक ने उपेक्षा भाव से बिना किसी और संकेत किए हुए कहा, वहां, और फिर घास चबाने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा, कहाँ। पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और उसने उससे कहा, पाठक तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया किंतु नौकर चूंकि मालकिन की ओर से आया था इस वजह से वे उसको जबरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध में आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा। पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो तुमसे किसने कहा। माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर उत्तर दिया, नहीं ये बिल्कुल असत्य है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन चूंकि कह चुका था कि मुझे मारा है इसलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर कहा, हाँ हाँ तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आया और मक्खन के समीप आकर उसे मारना आरंभ कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगा। उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा तू अपनी माँ को भी मारना चाहता है। ठीक उसी समय वे अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है। पाठक की मां ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया क्योंकि उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा तुम यहां कैसे आए। फिर उसने नीचे को झुकते हुए उसके चरण छुए। उसका भाई विशंभर उसके विवाह के पश्चात बंबई चला गया था। वह व्यापार करता था। अब कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन विशंभर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुख देता रहता है और बहुत चंचल है किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को बंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए बहुत हर्ष की बात थी क्योंकि वह सर्वदा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में ना डुबो दे या उसे जान से ना मार डाले। पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे। आखिर को चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक से सोया भी ना गया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। बंबई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वे उसके आने से कुछ प्रसन्न ना हुई क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफी थे। एक और चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए आपत्ति थी।
ऐसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया। पाठक को यहां पर सांस लेना कठिन हो गया। वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहां जाने की इच्छा करता रहता। उसको वह स्थान याद आता जहां वह पतंग उड़ाता था और जहां वह जब कभी चाहता जाकर स्नान करता था। मां का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। अब स्कूल में उससे अधिक कमजोर कोई विद्यार्थी ना था। जब कभी उसका अध्यापक उससे कोई प्रश्न करता तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से मालूम किया, मामा जी मैं कब तक घर जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, ठहरो जब तक कि छुट्टियां ना हो जाए। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे, इसलिए उसको काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बीच में एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया। प्रतिदिन उसका अध्यापक उसे बड़ी निर्दयता के साथ मारता था। उसकी दशा इतनी खराब हो गई कि उसके मामा के बेटे उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल ना जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने क्रोध से अपने होठों को चबाते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुझको कहां से महीने में 5 बार पुस्तक खरीद कर दूं? इस समय पाठक के सिर में दर्द उठा। वह सोचता था कि मलेरिया हो जाएगा, किंतु सबसे बड़ा सोच विचार यह था कि बीमार होने के पश्चात वह घर वालों के लिए एक आपत्ति बन जाएगा। दूसरे दिन प्रातः पाठक कहीं भी दिखाई ना दिया। उसके चारों तरफ खोजा गया किंतु वह ना मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और वह व्यक्ति जो उसे खोजने गए बिल्कुल भीग गए। आखिरकार विशंभर ने पुलिस को सूचना दे दी। मध्या पुलिस का सिपाही विशंभर के द्वार पर आया। वर्षा भी हो रही थी और सड़कों पर पानी खड़ा था। दो सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और विशंभर के सामने रख दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई और उसकी आंखें ज्वर से लाल थी। विशंभर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, ये तुम क्या आपत्ति ले आए हो? अच्छा होता जो तुम इसको घर भिजवा देते। पाठक ने ये शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर ही तो जा रहा था, परंतु वे दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया था। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। विशंभर एक डॉक्टर को लाया। पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई हैं क्या? विशंभर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, मां मां मुझे इस प्रकार ना मारो, मैं सच सच बताता हूं। दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ। उसके कमरे में चहुं ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंभर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए कहने लगा, पाठक मैंने तुम्हारी मां को बुलाया है। पाठक फिर उसी प्रकार चिल्लाने लगा। कुछ घंटों के पश्चात उसकी मां रोती हुई कमरे में आई। विशंभर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, किंतु वह ना मानी और अपने आप को पाठक की चारपाई पर डाल दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी, उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी मां फिर चिल्लाई, पाठक मेरे आंख के तारे, मेरे हृदय की कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी की ओर देखते हुए कहा, मां क्या छुट्टियां आ गई हैं? ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।